VIT की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और MS Excel की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं डबल वी लुकअप और इफ एरर फार्मूले के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम डबल वी लुकअप के बारे में बात करें तो डबल वी लुकअप का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से मैंने आपको वी लुकअप फंक्शन के बारे में पढ़ाया था ना, बस सेम फंक्शन का प्रयोग इस टेबल में भी किया जाएगा। बस दोनों में अंतर ये है कि उसमें हम एक सिंगल डेटा बना करके प्रैक्टिकल करते थे, लेकिन इसमें दो टेबल बना करके तब जाकर के हमको प्रैक्टिकल करना। मतलब दो टेबल के अंतर्गत हमको ये सीखना है कि जैसे मान के चलिए कि दोनों टेबल को जोड़ करके और तब जाकर के हमको जैसे इसमें डाटा का रिजल्ट निकालना है। इसमें टेबल की संख्या दो होती है, जबकि वी लुकअप में मैंने टेबल मात्र एक ही बनाया था, सिंगल बने। और याद करिए, मैंने अब बताया बताया भी था कि वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते, बोलिए। मैंने बताया था वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। और बताइए, वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मैंने पढ़ाया ना इस फार्मूले को, फिर भी नहीं पता है। देखिए, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल, यानी कि इसका प्रयोग जो है बड़े बड़े कंपनियों में बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसलिए क्योंकि एक आईडी के माध्यम से पूरा का पूरा डिटेल हमको ज्ञात करना, बस केवल आईडी नंबर हम चेंज करें उसके हिसाब से उसका पूरा डिटेल चेंज हो जाए, इसके लिए हम वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करते हैं। और वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल, यानी कि डाटा का रिजल्ट हमको वर्टिकल में मिलता है और केवल आईडी के माध्यम से, जैसे मान के चलिए आईडी के हिसाब से केवल आईडी को आप एक्सचेंज करेंगे तो उस मतलब उस आदमी का नाम चेंज हो जाएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मतलब जो कुछ भी उसमें हम क्राइटेरिया दिए होंगे वो सब सीमित होगा केवल एक आईडी के माध्यम से। बस आईडी चेंज करेंगे उसके हिसाब से पूरा डेटा आपका इंटरचेंज हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये बनती है कि इसमें डबल वी लुकअप क्यों लगाया? तो इसमें डबल वी लुकअप इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर एक टेबल हमको दिखेगा तो सिंगल वी लुकअप का फार्मूला तो लगा ही सकते हैं, लेकिन टेबल की संख्या दिख कितना रहा, दो दिख रहा, इसलिए एक वी लुकअप इसके लिए और एक वी लुकअप इसके लिए, दोनों मिला करके तब जाकर के नाम लिखा हुआ है डबल वी लुकअप। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे डबल वी लुकअप के माध्यम से हमको ये ज्ञात करना है, जैसे मान के चलिए कि कुछ डेटा मैंने फर्स्ट में बनाया, कुछ डेटा मैंने सेकंड में बनाया, तो वी लुकअप फार्मूले के माध्यम से तो पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे कि इम्प्लाई आईडी के माध्यम से उस इम्प्लाई का नाम क्या है। तो किसी भी एक इम्प्लाई आईडी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला करके पेस्ट करेंगे। अब देखिए, सिंपली आपको जानना हो कि इम्प्लाई आईडी जैसे EMP002 लिखा हुआ है, उस इम्प्लाई का नाम क्या है? प्रतीक। तो इसमें अगर आपको प्रतीक ज्ञात करना होगा तो डबल वी लुकअप लगेगा कि सिंपल सिंगल वी लुकअप लगेगा? क्योंकि सिंगल ही लगेगा, क्योंकि अभी हम तो केवल फर्स्ट वाले टेबल का ही तो प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ क्या रहा, इम्प्लाई नेम पूछ रहा है, इम्प्लाई नेम दोनों में कॉमन है लेकिन हम यूज करेंगे सबसे पहले पहले वाले टेबल का। तो इसके लिए सबसे पहले वी लुकअप फंक्शन इक्वल वी लुकअप जो आपको पहले मैंने पढ़ा दिया है, इसमें सबसे पहले आईडी को सिलेक्शन करते हैं, नीचे कॉमा करते हैं। इसके बाद से फर्स्ट वाले पूरे टेबल को हम सिलेक्शन करते हैं, नीचे कॉमा करते हैं, क्योंकि हमको जानना है इम्प्लाई नेम कितने नंबर पे है, 2,0, ये बता देगा कि इम्प्लाई का नाम क्या है, सही है कि गलत है। अब चलिए, इस व्यक्ति का अगर आपको एज पता करना हो तो बताइए एज के लिए कौन सा फार्मूला, सिंगल वी लुकअप इक्वल वी लुकअप। और यहां से सबसे पहले हम इम्प्लाई आईडी को लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे और फर्स्ट वाले पूरे टेबल को हम सिलेक्शन करेंगे। अब एज हमारा कितने नंबर पे है? हाँ 3,0 हो जाएगा ना, क्योंकि एक नंबर पे आपका आईडी है और दो नंबर पे इम्प्लाई नेम है और थर्ड नंबर पे एज है, इसलिए एज यहाँ पे ज्ञात करके बता दें। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर इम्प्लाई का एड्रेस हम कैसे ज्ञात करें? तो देखिए, एक चीज, जब भी आप सेकेंड टेबल बनाइएगा तो इसमें किसी एक चीज को कॉमन रख लीजिएगा, जैसे कि मैंने कॉमन किसको रखा, इम्प्लाई नेम को। तो ये चूंकि कॉमन रहेगा तो इसी के आधार पे आप आसानी तरीके से इम्प्लाई का एड्रेस पता कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम दो फार्मूला आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? दो फार्मूला हम आपको बताएंगे, आप चाहेंगे तो डायरेक्टली इम्प्लाई का एड्रेस ज्ञात कर सकते हैं और चाहेंगे तो इम्प्लाई नेम निकालने के बाद तब जाकर के इम्प्लाई का एड्रेस ज्ञात कर सकते हैं, दोनों तरीका। तो अगर एक बार में अगर पूरी फार्मूले को आप समझते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए डीपली हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, समझ में आ रहा है ना? और सिंगल आप केवल इम्प्लाई नेम के माध्यम से समझते हैं तो आपके लिए आसान होगा, लेकिन हम दोनों फार्मूला आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो है
जो दोनों में कॉमन है सबसे पहले हम उसको याद करेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इंप्लाई नेम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? इंप्लाई नेम को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। वही सेम तरीका जिस तरीके से इंप्लाई नेम लाया है। सबसे पहले आईडी ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद लेफ्ट फर्स्ट वाले टेबल, सेकेंड वाले टेबल की बात कहां से आ गई? नीचे कॉमा, टू कॉमा जीरो। तो ये इंप्लाई का क्या आ गया? नाम आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंप्लाई। तो फर्स्ट वाले टेबल से मैंने इंप्लाई का नाम निकाल दिया, और सेकंड वाले टेबल से आपको लेके आना है क्या? एड्रेस, क्योंकि मेन आपका मोटो क्या है? इंप्लाई एड्रेस। तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए एक बार तो इंप्लाई नेम के माध्यम से इंप्लाई नेम निकाल लीजिएगा, और यहां पे दो बार क्लिक करिए, और यही वी लुकअप से पहले यहां पे एक बार और आपको वी लुकअप लिखना है ब्रेकेट ओपन करके, फिर यहां पे वी लुकअप टाइप करिएगा। अब चूंकि एक के लिए तो मैंने सिलेक्शन पहला वाला टेबल कर ही लिया है, जब दूसरा वी लुकअप लिखेंगे तो नीचे कॉमा, अब सेकेंड वाले टेबल को सिलेक्शन करेंगे ना। समझ में आ रहा है क्यों सेकंड वाले टेबल को सिलेक्शन करेंगे? दोबारा क्यों सेकंड वाले टेबल को सिलेक्शन करेंगे? क्योंकि इंप्लाई का एड्रेस हमको जानना है, ना कि उसका नाम जानना। नाम तो मैंने ज्ञात कर ही लिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इंप्लाई का एड्रेस ज्ञात करें, तब इसलिए सेकंड वाले टेबल को सिलेक्शन करेंगे। नीचे कॉमा, एड्रेस कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे है ना, टू कॉमा जीरो, और ब्रेकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। सही है। अब चलिए अब डायरेक्टली बता दे रहे इंप्लाई का सेल निकालना, अब टेबल को जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्टली बता दे रहे। देखिए इक्वल बी लुकअप, सबसे पहले इंप्लाई आईडी, नीचे कॉमा, नहीं पहले एक बार और वी लुकअप लिखना है ना, पहले एक बार और वी लुकअप लिख लेते हैं। इसके बाद से सबसे पहले यहाँ पे इंप्लाई आईडी लेना है, नीचे कॉमा करना है। फर्स्ट वाले पूरे टेबल को एक साथ हम सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, और दोनों में कॉमन क्या? नेम। तो टू कॉमा जीरो किसके लिए? इंप्लाई नेम के लिए। तो ये पहला वाला टेबल कंप्लीट हुआ, उना नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद सेकेंड वाले टेबल से अब क्या जानना है, ठीक कितने नंबर पे हैं? थ्री कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर। सही है। अब देखिए केवल जो है EMP002 लिखा हुआ है, तो आप टू का रिजल्ट आपने प्राप्त किया। सिक्स लिखेंगे तो सिक्स का पूरा पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा। देखिए मिला, ये सही है। प्रणव नाम है, कसनिया घर है, 30,000 रुपये सैलरी। सही है। लेकिन एक चीज और बताइए, जैसे मान के चलिए क्या 107 का अगर हम रिकॉर्ड रखेंगे तो क्या 107 का रिकॉर्ड बताएगा? बोलिए। EMP007 का अगर हम रिकॉर्ड जानना चाहेंगे तो कोई रिकॉर्ड है? नहीं है तो कुछ रिस्पांस बताएगा क्या लेके आए? हाँ देखिए हैच हैच तब लिख के आता है जब सेल में जगह नहीं मिलता है, हैच इसमें लिख के आएगा। देखिए यहाँ पे सिक्स को हटा करके मैंने यहाँ पे लिख लिया सेवन, अब देखिए क्या रिस्पॉन्स आया, सर क्यों हैच लिखा हुआ? अभी मैंने बोला है ना, नहीं समझ में आता है तुमको? स्पेस नहीं मिला गधे कहीं के। देखो नहीं एनए लिखा है, एनए का मतलब प्रॉपर कुछ रिस्पॉन्स आपको पता नहीं चल पा रहा, और इस मैसेज को आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना। क्या अगर 007 आप लिखेंगे तो ऐसे मैसेज में आप लिख सकते हैं कि इम्प्लाई नेम नॉट फाउंड। बोलिए लिख सकते हैं ना, इम्प्लाई नेम नॉट फाउंड मतलब इस आईडी का कोई इम्प्लाई है ही नहीं, इस आईडी का कोई एज किसी का है ही नहीं, इस आईडी का कुछ ये एड्रेस वगैरह है ही नहीं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर मैसेज जब देना होगा तो इसके लिए इफ इरर फंक्शन का प्रयोग करेंगे। बस कुछ नहीं करना है। देखिए पहले तो यहां से हम आईडी चेंज करते हैं, यहां पे मैंने ले लिया 5, तो 5 पे तो बताएगा रिकॉर्ड, बाकी सब नहीं बताएगा ना, कुछ दिक्कत नहीं है। इस पे क्लिक करिए और वी लुकअप से पहले इक्वल टू के बाद यहां पे लिख दीजिएगा इफ इरर, ERROR ब्रैकेट ओपन। अब क्या मैसेज आप देना चाहेंगे बताइए? नीचे कॉमा, इंप्लाई नॉट फाउंड, ऐसे दे सकते हैं ना, लेकिन डमेटेड कॉमा में लिखिएगा इंप्लाई नॉट फाउंड। चूंकि मैटर बड़ा होगा इसलिए आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पे डमेटेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे ना, और एंटर कर देंगे। सेम तरीका एज पे भी आप आ जाइए, और यहाँ पे आपको टाइप करना है क्या? एज नॉट फाउंड। क्यों? यहाँ पे सबसे पहले इफ एरर आपको लिखना पड़ेगा, और ब्रैकेट ओपन करिएगा, नीचे कॉमा करने के बाद नीचे कॉमा, डॉटेड कॉमा में एज,
नॉट डिफाइंड। एंटर करिए। चलिए अगर इतना मैंने बता दिया तो बाकी तो आप कर ही सकते हैं ना। बस यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे 5 के जगह पे 5 को हटा करके यहाँ पर रख लीजिएगा 7। देखिए रिजल्ट आया, रिजल्ट आया। पर यहाँ पे अभी एन क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी कोई मैसेज मैंने नहीं दिया। बस यही आज के फार्मूले में आपको सीखना। कोई दिक्कत हो जाएगा अब इसमें, चूंकि डबल वैल्यू का लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे जोड़ेंगे फिर, पहले में इक्वल टू के, इक्वल टू के बाद ही जोड़ेंगे, इतना केयर करिएगा। अब यानी कि लास्ट में जाके जोड़ दीजिए। इफ इरर यहाँ पे टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। और चूंकि मैंने आपको बताया था कि क्राइटेरिया को हमेशा डॉटेड कामा में ही रखा जाता है, इसलिए एक प्रकार की क्राइटेरिया दिया जा रहा है ना। क्या? एड्रेस नॉट फाउंड। एक क्राइटेरिया दिया जा रहा है ना कि मतलब अगर इस टाइप का वैल्यू लिखा जाए तो बताए कि एड्रेस नहीं है। बोलिए, इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल में करना है, ठीक है, एक्सेल में। चलिए फार्मूला लिख लीजिए।